सिकटी अररिया बिहार डॉक्यूमेंट्री फिल्म अभिषेक सिंह राठौर क्रिएशन वाचिंग ऑन यूट्यूब। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए आपको ले चलते हैं बिहार राज्य के अररिया जिले के अंतर्गत सिकटी प्रखंड में, जो कि नेपाल की तरह से सटा हुआ प्रखंड है। अररिया 0 माइल से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सिकटी। वेलकम टू सिकटी अररिया बिहार। सिकटी आपका अपना गांव। सिकटी प्रखंड व विधानसभा क्षेत्र संख्या 51। यह प्रखंड नेपाल की तराई से सटा हुआ प्रखंड है। सिकटी विधानसभा का गठन 1977 ईस्वी में हुआ। सिकटी प्रखंड कुर्साकांटा प्रखंड एवं पलासी प्रखंड इसी विधानसभा के अंतर्गत आते हैं। सिकटी प्रखंड 14 पंचायत, कुर्साकांटा प्रखंड 13 पंचायत एवं पलासी प्रखंड के अंतर्गत 10 पंचायत आते हैं। यहाँ के प्रथम विधायक मोहम्मद अजीमुद्दीन, वर्तमान विधायक श्री विजय मंडल जी हैं। यह प्रखंड पहले पलासी विधानसभा किशनगंज में था। वर्तमान में यह विधानसभा घोषित होने के बाद अररिया लोकसभा के अंतर्गत आता है। यहाँ पंचायत स्तर पर पंचायत भवन स्थापित है। सिकटी 14 पंचायत, 54 गांव, 186 वार्ड, 152,000 आबादी वाला प्रखंड है। पशु चिकित्सालय, पानी टंकी, SFC गोदाम, KYP सेंटर, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहां पर अनेकों कार्यालय हैं। बाबा सुंदरनाथ धाम सिकटी कुर्साकांटा अररिया जिले के एक महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है, जिसका इतिहास महाभारत काल से ही देखा गया है। यह एक ऐतिहासिक मंदिर है। स्वास्थ्य केंद्र सिकटी, यहाँ पर अनेकों सुविधाएं उपलब्ध हैं। सिकटी थाना, यह थाना अंग्रेजों के समय से ही स्थापित है। यह प्रखंड कार्यालय से सटा हुआ है। विद्युत शक्ति उपकेंद्र सिकटी, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा यहां पर स्थापित है। यह प्रखंड भारत नेपाल सीमा पथ से जुड़ा है। यह पिलर भारत नेपाल बॉर्डर को साझा करती है।
छोटी सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर 52 बटालियन सशस्त्र सीमा बल SSB स्थापित है, जो कि बॉर्डर की सुरक्षा के साथ साथ सामानों के ट्रांसपोर्ट पर भी अपनी पैनी नज़र बनाए रखते हैं। आदर्श मध्य विद्यालय सिकटी। RKCK कॉलेज बरदहा सिकटी। +2 प्रोजेक्ट हाई स्कूल सिकटी। ये सभी सिकटी के प्रमुख स्कूल एवं कॉलेजेज हैं। यहाँ यातायात के लिए सिकटी से अररिया, पूर्णिया एवं पटना तक के बसें AC एवं नॉन AC में उपलब्ध हैं। नूना पुल, जिसकी लंबाई 860 मीटर है, जो कि बिहार के लंबे पुलों में से एक है। यह पुल अररिया जिले को किशनगंज जिले से जोड़ती है। सिकटी प्रखंड सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण नेपाल से छोड़े जाने वाले पानी के कारण यह प्रखंड बाढ़ की विभीषिका झेलने को मजबूर है और इसका असर खेती पर पड़ता है। बाढ़ यहाँ की प्रमुख समस्या है। सिकटी मार्केट नियर बाय इंडो नेपाल बॉर्डर। यहाँ बॉर्डर से सटे अनेकों छोटे बड़े दुकानें हैं। अररिया जिले का खुले में शौच से मुक्त प्रथम ओडीएफ घोषित होने का गौरव इस सिकटी प्रखंड को ही है। बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोगों का सीना ऊंचा हो गया, चौड़ा हो गया, खुल के जो आप लोगों ने ओडीएफ कर दिया, खुले में शौच मुक्त कर दिया सिकटी को, इससे बड़ी खुशी की बात है। सभी सिकटी वासी बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं कि आप लोगों की कड़ी मेहनत से, तपस्या से, परिश्रम से आज हम स्थिति में पहुंचे हैं कि जिला का पहला ब्लॉक सिकटी होगा जो ओडीएफ घोषित होने जा रहा है और पूरे जिले को एक राह दिखाई है। सभी लोग